Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is on verbal communication. What are the types of communication? People communicate with each other in a number of ways that depend upon the message and its context in which it's being sent. लोग जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बहुत तरीकों से. ये डिपेंड करता है कि आपको मैसेज और मैसेज का कौन सा कॉन्टेक्स्ट सेंड करना है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स है वो डिपेंड करता है आप कौन सी चैनल यूज करते हो. वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन, वी हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली. ये वो कम्युनिकेशन है जो आप वर्बली सेंड करते हो. व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? इज डन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड अ पीस ऑफ राइटिंग. जिसमें आप कम्युनिकेशन या तो कुछ बोलेंगे मुंह से या कुछ लिखेंगे. इन वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर द एक्रोनियम किस. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को शॉर्ट और सिंपल रखें. Verbal communication is divided into oral communication and written communication. Verbal communication दो types की है, एक तो oral communication है, दूसरा written है. Verbal communication, type of verbal communication, oral or spoken communication. ये वो communication है जिसमें आप बोलते हो कुछ जुबान से. Face to face conversation जो आप एक दूसरे को देख के communicate कर सकते हो, like ग्रुप डिस्कशन है, किसी फैमिली मेंबर के साथ बात करते हैं, पब्लिक स्पीचेस हैं, टॉकिंग ऑन अ फोन, ये भी एक ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन है. कोई पर्सनल या ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा. व्हेन यू ग्रीट समवन विद हेलो, यू स्पीक समथिंग, या आप कन्वर्सेशन का एंड करते हैं विद थैंक यू और बाय. क्लासरूम टीचिंग वेयर आवर अ टीचर कम्युनिकेट्स विद स्टूडेंट्स. बिजनेस डिस्कशंस, पब्लिक स्पीचेस, ये सारी एग्जाम्पल्स है oral communication ke. Now written communication. Communication which involves written or typed words. ये वो communication है जिसमें आप कुछ लिख सकते हो या कुछ टाइप कर सकते हो. लेटर लिखना, ईमेल लिखना, एसएमएस लिखना, ईमेल को शेयर करना न्यूज में, अपने थॉट्स में, डॉक्यूमेंट्स बनाना, फाइल्स, फोटोज, वीडियोज, बुक्स या न्यूज पेपर्स, ये सारा इंक्लूड होता है रिटन कम्युनिकेशन में. Now advantages of verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये कंसिडर किया जाता है ईजी एंड क्विक. इसमें आपको जो बोलना है जैसे बोलना है आप ईजिली विद अ क्विक रेस्पॉन्स बोल सकते हो. ये कंसिडर किया जाता है ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सचेंज आइडियाज. आप अपने कम्युनिकेशन को चेंज भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन रिप्लाई. नाउ डिसएडवांटेजेस. द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंसेस. अगर आपका कल्चर यानी कि सेंडर का कल्चर और रिसीवर का कल्चर डिफरेंट है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर आप एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते हो, एक दूसरे के जो आप कॉलोक्वियल फ्रेजेस यूज करोगे वो नहीं समझोगे तो, या आपका एक्सेंट डिफरेंट है तो प्रॉब्लम हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन में. वर्बल कम्युनिकेशन में आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, वर्ड कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, वर्ड डिफिकल्ट तो नहीं है, यानी कि हमें प्रॉपर राइट वर्ड्स का यूज करना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन में. अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग.